तमाम दलीलें जो एनटीए ने दी हैं पॉइंट वाइज, तो अब जब स्टूडेंट कम्युनिटी का ट्रस्ट फैक्टर यू नो थोड़ा सा डगमगा रहा है और विपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं, तो सर क्या आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या आप सोचेंगे कि इन एग्ज़ाम्स को रिकंडक्ट करना चाहिए या नहीं सर? तो जैसे मैंने बताया कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें जो इशू आ रहा है ये 600 और 1600 कैंडिडेट्स का आ रहा है, तो इसमें जो ये इशू आ रहा है इसका हम लोगों ने पूरा एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो। बट टू एले द फियर अगेन कि इसमें किसी को भी वो ना हो, तो एनटीए हैज डिसाइडेड कि जो एक हमने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले, तो एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के वो कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए ये आ गए तो इनके भी इश्यूज वो ना हों, तो इस तरीके का निर्णय एक हम लोगों ने लिया है।